Hello friends, welcome to Coding World. Well, today I am going to show you how to check a number if it is even or odd without using modulus operator. We all know that using modulus operator, we can check a number if it is even or odd very easily. But today I am going to show you without using modulus operator how to check a number if it is even or odd. So, मैंने पहले बोल देता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को दिल से लाइक करते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट समथिंग लाइक न्यू वीडियो समथिंग लाइक दिस अबाउट प्रोग्रामिंग. सो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. ओके so here I am using dev C++ compiler. I am going to open it. Okay, then file to new to source file. Okay chalo at first hum log ek टाइटल देते हैं. सपोज इवन ऑट चेक इन इवन ऑट चेकिंग. ओके देन वी ऑल नो वी यूज हेडर फाइल इन ए सी प्रोग्रामिंग एंड हियर द हेडर फाइल इज हैज इंक्लूड stdio.h. So has include stdio.h, then main function and then the main body part. Okay, so let's take a number in integer. Suppose it is n. Then backslash n, we use backslash n to give a gap between two lines. So enter the value of n semicolon. Scanf percentage d comma ampersand is semicolon. Here's the matter. If हम लोग modulus operator use करते हैं ऐसे इस तरीके से कि अगर n mod 2 equals to 0 then it will be even number and अगर n mod 2 not equals to 0 then it will be a odd number. Suppose n ka value 8 then agar hum log divide karte hai 8 ko then 8 divided by 2 the result will be 4 and there will be no remainder. So it's a even number and if we take 7 then the result will be 3 and the remainder will be 1. So it's a odd number. 7 is odd number and 8 is a even number. Hum log is tarike se modulus operator use karte hai and number check karte hai ki ye even or odd. But I am not going to use this modulus operator and here we see that n is an integer. So n divided by 2 multiplied by 2, what's the will be the result? What will be the result? It will be absolutely n. Agar it is a even number, it agar n even number hota hai to iska value n se same hoga. Agar n odd होता है तो
इसका वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि मैं दिखाता हूँ, चलो इक्वल्स टू जीरो, व्हाट्स द मैटर, सपोज एन का वैल्यू 8, सो 8 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, सॉरी हियर आई डाइड 0 एंड इट विल बी एन, हाँ 8 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी 4 एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8, द रिजल्ट विल बी 8 एंड वी टेक द नंबर 8, सो इट्स इक्वल टू एन, एन मॉट एन डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इक्वल्स टू एन, सो व्हाट एन इज अ इवन नंबर एंड वी टेक द वैल्यू ऑफ एन 8, इट इज इवन नंबर। अगर हम लोग एन का वैल्यू एक ऑड नंबर लेते हैं तो अगर एन इक्वल्स टू 7, देन 7 मॉट 7 डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी व्हाट 3.5, बट एन इज इन इंटीजर सो इट ओनली टेक 3 नॉट 3.5 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट विल बी 6, दैट्स नॉट इक्वल टू एन, दैट्स नॉट इक्वल टू 7, सो 6 नॉट इक्वल्स टू 7, सो व्हाट एन इज नॉट ए इवन नंबर, एन इज ए ऑड नंबर एंड हियर वी टेक एन इक्वल्स टू 7, 7 इज ए ऑड नंबर, सो ठीक है ना। चलो देन अगर एन डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल्स टू एन होता है तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा जे एन इज ए इवन नंबर, सो प्रिंटेप बैकस्लैश एन एन इच एन इवन नंबर, ओके ना, एंड सेमी कोलोन। अगर ऐसा ना हो तो, अगर ऐसा ना हो तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, इट विल बी एब्सोल्युटली ऑड नंबर, इवन ईवी होगा यहाँ पे, सो एब्सोल्युटली इट विल बी व्हाट ऑड नंबर, सो यहाँ पे प्रिंट करेगा एन इज ए ऑड नंबर बैकस्लैश एन एन ई एन और नंबर, ओके ना। सो चलो प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, ओके यहाँ पे हम पहले से एक इवेंट और चेकिंग का प्रोग्राम मैंने एग्जीक्यूट किया था एंड इन दिस प्रोग्राम वी आई यूज मॉड्यूलस ऑपरेटर, सो हम लोग यहाँ पे रिस्टोर करते हैं, सो यस आई वांट टू रिप्लेस इट, ओके वेट अ बिट, यार इज अ मिस्टेक, इज टी डी आई ओ डॉट एच, यस इज टी डी आई ओ डॉट एच है ना, देन ओके इट विल बी इन Yes, that will be here. That's not expected for me, but what? हो जाता है यार. Okay.
सपोज इनका वैल्यू 5, देन इट्स ए ऑड नंबर एंड अगेन आई एम गोइंग टू रन एंड कंपाइल द प्रोग्राम. हियर आई एम गोइंग टू यूज ए इवन नंबर. सपोज इट इज sorry what's the problem 60 60 even is a even number. Okay, I think it's all clear to you. Okay, thank you guys. Agar if you like this video, if you really like this video, then like it and also share it and subscribe my channel to get something like this new video. Okay, thank you. Bye bye.